संसद भवन के अंदर की बात बताएं, कितना आधुनिक है, कितना सुविधाजनक है। प्रधानमंत्री जी आएंगे और 60,000 श्रमिकों को मोदी जी सम्मानित भी करेंगे। और आज के समय में नए भारत का जो ये संसद है, इसमें सभी दलों को अपनी दलीय भावनाओं से ऊपर हट करके आनी चाहिए थी। बहुत तेजी से काम चल रहा है सर, बहुत रात और दिन काम कर रहा है, रात और दिन बढ़िया करके अच्छी तरह से। तो यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम ऐसा प्रोजेक्ट डील कर रहे हैं जो कि उसका उद्घाटन खुद जो है मोदी जी कर रहे हैं। बॉयकॉट का मामला चल रहा है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी इसका बहिष्कार कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? अब इस पर विपक्ष के लोगों को क्या कहा जाए, ईश्वर सतबुद्धि दे तो ज़्यादा बेहतर है। और विरोध करने के लिए केवल विरोध न करें, जहाँ विरोध करना है वहाँ विरोध का होना भी आवश्यक है, लेकिन अनावश्यक रूप से विरोध करना ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। जब देश की बात आती है ना तो सबको एक रहना चाहिए। मैं इसमें यही कहूँगा कि जब आपको किसी और चीज़ में हो वहाँ आप अपना दिखाइए कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, लेकिन जब अब बात आती है पार्लियामेंट की या गवर्नमेंट कोई और चीज़ पब्लिक के लिए या ऐसी कोई प्रॉपर्टी बनाती है जो सीधे देश हित में है, वहाँ सबको एकता दिखानी चाहिए। देश का है और देश के लिए है ये। तो विरोध क्यों हो रहा है फिर? ये विरोध इनका निजी स्वार्थ की वजह से है। और हर भारतवासी अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे देश में एक नई संसद बन रही है और एक सफल काम इसको कहेंगे। बहुत ही खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 60,000 श्रमिकों का सम्मान करेंगे, इससे हमें बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होते हैं। उत्साहित होते हैं, सब चीज़ बढ़िया है, अच्छे हैं मोदी जी, अच्छे हैं मोदी जी। आपने संसद भवन निर्माण कार्य में योगदान दिया है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग यही पत्थर के मिस्त्री हैं, ये काम कर रहे हैं थोड़ा जल्दीबाजी में। मोदी जी 28 तारीख को आने वाले हैं, इसीलिए जल्दी बढ़िया साफ सुथरा करके अच्छे से लगवा के ओके कर रहे हैं। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं सर, बाहर ही अभी खड़े हैं। नहीं नहीं, गौरवान्वित हाँ, ये होना चाहिए था क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने से ये चला आ रहा था, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जो अभी की है मोदी ने। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ नीतीश पाठक। लोकतंत्र के मंदिर यानी कि नए संसद भवन पूरे तरीके से तैयार हो गया है, यानी कि हम आपको बता दें कि सजकर सवरकर नए संसद भवन का मंदिर आप जस्ट मेरे पीछे देख रहे हैं बनकर तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 28 मई को किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरे दाहिने तरफ कृषि भवन है, इस साइड मेरे रेल भवन है और यहाँ पर जस्ट मेरे पीछे नए संसद भवन पूरे तरीके से तैयार है। और जिस तरीके से नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर देश भर में विवाद है, बवाल है, बॉयकॉट चलाया जा रहा है, कुछ विपक्षी दल बहिष्कार कर रहे हैं कि हम उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं आएंगे, इसी बीच हम यहां पर आए हुए हैं, हम दिल्ली में हैं और नए संसद भवन के बाहर खड़े हैं और यहां के जनता से बात करेंगे, श्रमिकों से बात करेंगे, क्योंकि 60,000 श्रमिकों को प्रधानमंत्री जी सम्मान भी करेंगे 28 मई को जिस दिन उद्घाटन किया जाएगा। तो इस पर हम जनता से बात करेंगे, चलिए जनता से बात करते हैं। हमारे साथ श्रमिक भाई लोग हैं, उनसे जानकारी लेंगे। श्रमिक भाई लोग, संसद भवन, नए संसद भवन निर्माण में इनका अहम योगदान रहा है जिसका उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री जी करेंगे। कब से आप लोग काम कर रहे हैं नए संसद भवन निर्माण कार्य में? 1.5 साल से काम कर रहे हैं सर हम। 1.5 साल से काम कर रहे हैं, मतलब शुरुआती दौर से जी। अच्छा, बीच में प्रधानमंत्री जी आए थे, आप लोग से मुलाकात हुई? नहीं नहीं, उस टाइम पे हमारी मुलाकात नहीं हुई, उस टाइम से मुलाकात नहीं हुई थी। क्या कहेंगे, नए संसद भवन का निर्माण कार्य अंतिम पड़ाव पर है, 28 मई को इसका उद्घाटन होने वाला है, क्या कहेंगे आप लोग, अनुभव क्या है आप लोगों का? हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, नया संसद अभी हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट होने जा रहा है, तो हमें बड़े खुशी की बात है, हमने इसमें काम किया है। प्रधानमंत्री जी आएंगे और 60,000 श्रमिकों को मोदी जी सम्मानित भी करेंगे, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, हमें सम्मानित करेंगे, हमसे मिलेंगे, ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए। आप क्या कहेंगे भाई साहब, आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? जी मुझे भी लगभग 1.5 साल हो गया है। भाई साहब इधर आ जाओ। हाँ, बोले। नवंबर 2021 में हमने इसमें शुरुआत करी थी। हाँ। और अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है ये अंतिम पड़ाव पे है और इसका उद्घाटन खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे हैं 28 मई को आने वाली 28 मई को। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम ऐसा प्रोजेक्ट डील कर रहे हैं जो कि उसका उद्घाटन खुद जो है मोदी जी कर रहे हैं और आपके द्वारा हमें जो जानकारी मिली है कि जो है हमें सम्मानित भी करेंगे जी, जी। तो यह अपने आप में बहुत खुशी की बात है कि वो हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हमारा नाम आ सके उसमें। और संसद भवन है ये एक हिस्टोरिकल
बिल्डिंग है, इसका जो वर्ल्ड वाइड नाम है और सब चीज़ है, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमने इस ऐसे एरिया में काम करा जो कि बहुत हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। ऐसा कहा जा रहा है कि 60,000 श्रमिकों को प्रधानमंत्री ये सम्मानित करेंगे, क्या कहेंगे आप लोग इस पर? बहुत ही खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 60,000 श्रमिकों का सम्मान करेंगे, इससे हमें बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होते हैं। उत्साहित होते हैं, सब चीज़ बढ़िया है, अच्छे हैं मोदी जी, अच्छे हैं मोदी जी। आपने संसद भवन निर्माण कार्य में योगदान दिया है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग यही पत्थर के मिस्त्री हैं, ये काम कर रहे हैं, थोड़ा जल्दीबाजी में, मोदी जी 28 तारीख को आने वाले हैं, इसीलिए जल्दी बढ़िया साफ सुथरा करके अच्छे से लगवा के ओके कर रहे हैं। मतलब जो श्रमिक को सम्मानित करने का मामला, देखिए और लोग वहाँ से निकल कर सामने आ रहे हैं, भाई साहब क्या कहेंगे, संसद भवन निर्माण कार्य में योगदान दिए हैं आप लोगों ने, बहुत बढ़िया किया, अच्छी तरह से बनवाया हमने, बढ़िया मेहनत की है, खूब बहुत मेहनत की, हाँ जी, कर रहे हैं, एक साल हो गई सर, एक साल हो गया, हाँ जी, तो मतलब कब तक तैयार हो जाएगा? अभी हो जाएगा करीब 2024 तक तो फाइनल हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा, पहले उद्घाटन 28 तारीख को होगा, बहुत तेजी से काम चल रहा है सर, बहुत रात और दिन काम कर रहा है, रात और दिन बढ़िया करेगा अच्छी तरह से। जब देश की बात आती है ना तो सबको एक रहना चाहिए, मैं इसमें यही कहूँगा कि जब आपको किसी और चीज़ में हो वहाँ आप अपना दिखाइए कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, लेकिन जब अब बात आती है पार्लियामेंट की या गवर्नमेंट कोई और चीज़ पब्लिक के लिए या ऐसी कोई प्रॉपर्टी बनाती है जो सीधे देश हित में है, वहाँ सबको एकता दिखानी चाहिए। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, ये तमाम तरीके के जो विपक्षी दल के पार्टी हैं बहिष्कार कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं कि हम नहीं उद्घाटन कार्यक्रम में आएंगे, आमंत्रित सभी को किया गया, आने को रेडी नहीं है। देखिए सबकी अपनी अलग अलग जो है पॉलिसी है, अब वो किस पॉलिसी को लेकर के इस चीज़ को बायकॉट कर रही है तो वही जाने। तंत्र के मंदिर सभी के लिए है, नए मंदिर का निर्माण है, जरूरी भी है, सबको मिलना चाहिए, आना चाहिए, इसके लिए तो कम से कम एक दिन सबके लिए निकालना चाहिए। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं सर, बाहर ही अभी खड़े हैं, गौरवान्वित, हाँ ये होना चाहिए था क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने से ये चला आ रहा था, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जो अभी की है मोदी ने। आखिर विरोध क्यों हो रहा है, मंदिर लोकतंत्र का है, संसद भवन है, सभी पार्टी जो जीत कर आएगी, जिसके जो पार्टी के जो प्रतिनिधि होंगे बैठकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन होगा, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ी बनाया जा रहा है, एक पार्टी का बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी का हेडक्वार्टर थोड़ी है, देश का है, देश के लिए, देश का है और देश के लिए है ये। विरोध क्यों हो रहा है फिर? ये विरोध इनका निजी स्वार्थ की वजह से, ये निश्चित ही हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारी भारत के लोगों के सहयोग से और जो वर्तमान सरकार है उनके द्वारा जो ये नए पार्लियामेंट का क्रियाकलाप चालू है, तो कहीं ना कहीं ये गर्व का विषय है, ये हर भारतवासी के लिए, हर भारतवासी के लिए गर्व, बिल्कुल 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 है। लेकिन बॉयकॉट का मामला चल रहा है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी इसका बहिष्कार कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए टिप्पणी का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोगों को भी ये सोचना समझना चाहिए कि किस चीज़ का विरोध हम करें या किसका न करें, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए ही अगर विरोध का निर्णय लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जनता के मन में क्या चल रहा है, एक अभी तो पुराना हमारा संसद भवन है फिर नया भी तैयार हो गया? नहीं, जनता के मन में जाहिर सी बात है, मैंने बताया ना कि ये खुशी का विषय है, हर्ष का विषय है, और हर भारतवासी अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे देश में एक नई संसद बन रही है और एक सफल काम इसको कहेंगे, देश खुश है। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टी नाराज है, 19 दल आ गए हैं इसमें, धीरे धीरे तो बढ़ ही रहे हैं लोग। नहीं, अब इस पर विपक्ष के लोगों को क्या कहा जाए, ईश्वर सतबुद्धि दे तो ज़्यादा बेहतर है, और विरोध करने के लिए केवल विरोध न करें, जहाँ विरोध करना है वहाँ विरोध का होना भी आवश्यक है, लेकिन अनावश्यक रूप से विरोध करना ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। ये देश के लिए गर्व की बात है कि एक ऐसी ऐसे जगह का निर्माण हो रहा है जो आगे 100-200 साल के लिए हमारे संसदीय कार्यों के लिए संपन्न रहेगा, उसका भार उठाएगा, और हमारे लिए गर्व का विषय ये भी है कि हम इसके में साक्षात्कार हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन 19 दल इसका बहिष्कार कर रहे हैं कि हम उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित होने नहीं आएंगे, तो मेरा सवाल सीधा है सर कि संसद भवन है, सभी पार्टियों के लिए है, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, एक व्यक्ति विशेष या एक पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी का हेडक्वार्टर नहीं है, तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? देखिए पॉलिटिक्स शब्द ही ऐसा है जिसमें कि पक्ष और विपक्ष दोनों रहेंगे ही, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि राजनीति से ऊपर होनी चाहिए, और आज के समय में नए भारत का जो ये संसद है इसमें सभी दलों को अपनी दलीय भावनाओं से ऊपर हट करके आनी चाहिए थी। विदेश में अभी प्रधानमंत्री जी हैं,
कोई ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनको बॉस बुला रहे हैं, तो कोई गुरुजी बुला रहा है, तो किसी देश के प्रधानमंत्री उनके चरण छू रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश के लोग, जो कि गौरव का पल है, गौरव का क्षण होगा 28 मई देश के नए लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन होगा, उसका विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके के अवसर भारतीयों को दिया है कि भारतीय आज के डेट में कहीं भी जाता है तो अपनी डंका बजाता है, और इसमें और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को भी कहीं भी वो जा रहे हैं, जिस तरीके से इंडियन डायस्पोरा उनका स्वागत करता है और जिस तरीके से उनमें वो देखता है, देखिए भारत क्या है, भारत हमेशा बिलीव करता है अतिथि देवो भव। जब विदेशी, हमारे विदेशी भारतीय जब अपने प्रधानमंत्री को वहाँ पे देखते हैं तो उसी चीज़ को प्रकट कर रहे हैं, अतिथि देवो भव। उनके लिए प्रधानमंत्री वहाँ पे अतिथि हैं और वो प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आते हैं, तो स्वागत की बात है।